बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में काफ़ी दिनों से बातें हो रही थी और अब जब हम न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हो गए, इस सीरीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट नहीं रही है। लोगों का ऑलरेडी कहना है कि हम 5-0 से यहाँ पे भी हार जाएंगे, लेकिन इसमें ये भी हो गया कि टीम इंडिया के जो कैप्टन है रोहित शर्मा, हो सकता है पहले दो मैच या पहली एक मैच मिस कर जाए। ऐसे में कौन कैप्टन बन सकता है? रिसेंटली एक्स इंडिया प्लेयर मोहम्मद कैफ ने कहा कि आज के डेट में अगर कैप्टनसी की हम बात करें तो ऋषभ पंत इज ओनली इन कंटेंशन। ऋषभ पंत के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर उनको नहीं दिख रहा है कि जो कैप्टनशिप के लिए चाहे। सी आप बोलेंगे कि यार बुमराह को कैप्टन कर दो, पर बुमराह हमेशा सारे मैचेस नहीं खेल सकते, सो हम बुमराह को कैप्टन नहीं बना सकते। और ऋषभ पंत एक अकेले बैट्समैन है जो काफ़ी ज़्यादा इस क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है। तो हो सकता है कि अगर रोहित शर्मा कैप्टन नहीं है तो ऋषभ पंत को कैप्टन बनाया जाए। आपको क्या लगता है गाइस, राइट ऑन दी कमेंट बॉक्स। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेटी के लिए जो प्रैक्टिस मैचेस थे उसको कैंसिल करा दिया है। वाइट वॉश हो गए हो भाई साहब, फिर भी प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेलने आपको। टीम इंडिया ने कहा कि हम बस प्रैक्टिस करेंगे, हम मैचेस नहीं खेलेंगे, प्रैक्टिस मैचेस, जो कि अगेन मुझे नहीं समझ आता है। बट आई होप कि बीजेटी में इतना शेमफुल परफॉर्मेंस हमें ना देखने मिले। रोहित शर्मा विराट कोहली रन बना दे, अगर वो रन नहीं बना सकते हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, उन्होंने टीम इंडिया को काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, बट दैट विल बी अ टाइम फॉर देम टू से गुड बाय। आपको क्या लगता है गाइस?